हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंग्लिश क्लासेस चैनल। आप सबका स्वागत है आज Day-9 में। और आज बारी है हमारी word-9 की। ठीक है, तो हर दिन की तरह हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं पहले अपने 8 वर्ड्स को। तो चलिए मेरे साथ जल्दी आप सब लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला वर्ड था हमारा अबेस, बेसमेंट में जाकर किसी को डिग्रेड करना। दूसरा वर्ड था एब्स्ट्रूज, ट्रुथ को समझना डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। अक्लाइमेटाइज, जो कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करे, दैट इज अक्लाइमेटाइज। अफ्रंट, फ्रंट में जाकर किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, दैट इज अफ्रंट। अलाक्रिटी, ए लाख मिलने पर जो ईगरनेस है एंड चेयरफुलनेस, दैट इज अलाक्रिटी। नेक्स्ट इज असीड्यूअस, असीड्यूअस एस डज हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्किंग पर्सन। एंड सेवेंथ वर्ड है हमारा अप्राइज, प्राइज के बारे में किसी को इन्फॉर्म करना, बताना। एंड हमारा 8th वर्ड था ऑगमेंट, आग में मिंट का काम करना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, ये थे हमारे 8 वर्ड। आज हम चलते हैं अपने 9th वर्ड की तरफ। आज का word-9 है हमारा अवारिस। ठीक है, तो अवारिस का मीनिंग है ग्रीड, क्यूपिडिटी, रैपेसिटी, मनी ग्रैबिंग एटसेट्रा। बहुत सारे वर्ड हैं इसके। ठीक है, मैं सारे वर्ड्स आपको नहीं बता रही हूँ, तो आप ग्रीड को याद रखिए। मेन अवारिस का मतलब होता है ग्रीड। ठीक है, अब इसका की मैं आपको बताती हूँ कि याद रखने का क्या है। देखो, इस वर्ड को आप जो जैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, तो इसमें आपको आ रहेगा वारिस, अवारिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जो वारिस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लालची होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को वारिस बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, भाई वो लालची है। ठीक है, लालच के में आकर किसी की हेल्प कर रहा है या फिर किसी के साथ रह रहा है। तो आपको वारिस से याद रखना है कि वारिस ज़्यादातर क्या होते हैं, लालची। ठीक है, 90% वारिस जो है वो लालची ही होते हैं ज़्यादातर। तो हमको वारिस से याद रखना, अवारिस। अवारिस जो है वो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। याद करने का सिर्फ एक तरीका है। ठीक है, तो अवारिस का मतलब हो, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, लालची। ठीक है जी, या फिर लोभ, ये अवारिस का मतलब हो गया, जिसको धन के लालच हो, दैट इज अवारिस। ठीक है, अब इसका एक सिंपल सा एक यूज देख लेते हैं। इसे का सिंपल जैसे आई डोंट लाइक हिज अवारिस नेचर। ठीक है, मुझे इसका ग्रीडी, मुझे इसका लालची नेचर जो है वो मुझे इसका पसंद नहीं है, दैट इज अवारिस। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? अवारिस का मतलब होता है लालची और लोभी। ठीक है, अवारिस के मीनिंग मैंने आपको बताया, ग्रीड, क्यूपिडिटी, रैपेसिटी, मनी ग्रैबिंग और बहुत सारे इसके वर्ड हैं, स्टिंगनेस, टेम्पटेशन, ग्रीडीनेस, बहुत सारे इसके मीनिंग हैं। इसका जो की याद रखने का वो है वारिस से रिलेटेड है। वारिस जो होता है वो लालची होता है, तो अवारिस का मतलब हमने लालची और लोभी रखा है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा यूज, आई डोंट लाइक दिस अवारिस नेचर। तो ये था आज का word-9, अवारिस। वारिस का मतलब लालची, ग्रीडी। ओके, तो आज का 9th वर्ड हो गया है। कल हम मिलते हैं अपने 10th वर्ड के लिए। तो हम कल आपको मॉर्निंग में इसी टाइम पर आपको 10th वर्ड की वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो आप मेरी